أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر। जो सूरा हमने पढ़ी है उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ज़माने की कसम खाकर इंसानों की कामयाबी की चार शर्तें बयान फरमाई हैं, यानी इंसान को कामयाब होने के लिए चार शर्तें हैं। मगर उन चार शर्तों को बयान करने से पहले मैं एक बात कहता हूँ कि हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया, अगर अल्लाह ताला पूरा क़ुरान नाजिल ना करता बल्कि सिर्फ इस एक सूरा को नाजिल कर देता तो इस सूरा के अंदर इतनी गहराई है कि आदमी इस पर गौर करके अल्लाह को पा लेता और जन्नत का मुस्तहिक बन जाता। इस सूरा के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे पहले कसम खाई है ज़माने की, फिर उसके बाद इंसानों की कामयाबी की बात बताई है। चुनांचे अल्लाह ने फरमाया वल असर, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे लोग खसारे में, सारे इंसान खसारे में। फिर अल्लाह ने खसारे से बचने की चार तदबीर बताई कि ये चार किस्म के लोग हैं जो खसारे से बचे हुए हैं, इसके अलावा जो भी हैं सब घाटे में हैं। फरमाया इल्ला लज़ीना आमनु, खसारा और घाटा से बचने का सबसे पहला रास्ता ये है कि ईमान लाए, वामिलु सालिहात, और नेक आमाल करें। नंबर एक ईमान, नंबर दो नेक अमल, नंबर तीन व तवासव बिल हक, तवासी बिल सब्र करें, तवासी बिल हक करें। तवासी बिल हक से मुराद मुफस्सिरीन ने लिखा है भलाई का हुक्म करें। नंबर चार व तवासव बिल सब्र, तवासी बिल सब्र करें। मुफस्सिरीन ने लिखा तवासी बिल सब्र से मुराद बुराइयों से रोकें। तो खुलासा इस आयत में चार चीज़ें बताई गई हैं जो इंसान की कामयाबी की ज़मानत है। नंबर एक ईमान, नंबर दो अमल सालेह यानी नेक अमल, और नंबर तीन व तवासव बिल हक यानी भलाई का हुक्म करना, नंबर चार तवासव बिल सब्र यानी बुराइयों से रोकना। अब अगर किसी की ज़िंदगी इन चारों की किसी की ज़िंदगी में ये चारों बातें पाई जाती हैं, मान लिया जाएगा कि वो कामयाब इंसान है, और इन चारों में से कोई एक भी चली गई तो फिर वो नाकाम है। अल्लाह ताला ने इस आयत में उन लोगों का ज़िक्र किया है जो इन चार चीज़ों को अमल करके कामयाबी पा सकते हैं, आखिरत में कामयाब हो सकते हैं और दुनिया में भी सुखरू हो सकते हैं। अल्लाह ताला इस आयत के मुताबिक हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।